हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास ट्वेल्थ पी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट टू है क्लास ट्वेल्थ का। इसमें हम कौन कौन सी फैमिली के बारे में जानेंगे वो सब मैं आपको बताता हूँ। क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर नंबर वन है पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड बोल देता हूँ बच्चों में इसको, ताकि आपको ध्यान रहेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड लेक्चर वन, ठीक है, ये है आपका लेक्चर, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड का लेक्चर नंबर वन। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स के बारे में। तो एक एक करके सबसे पहले समझते हैं पी ब्लॉक में क्या 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 होता है। सबसे पहले मैं मेंडली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप, यहाँ पर मैंने बनाया फोर्थ ए, यहाँ पर मैंने बनाया फिफ्थ ए ग्रुप, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सिक्स ए ग्रुप, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सेवन्थ ए ग्रुप, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपका एट्थ ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों एक एक करके कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। बड़ा यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका ब्रिटेन मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। ब्रिटेन के ऑल गंजे, इंडिका तेल बेचे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है इसमें, इसमें आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और फिर लेड, ठीक है। उसके बाद आपका होता है यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा होता है बच्चों यहाँ पर, इसके बाद आपका होता है ओ सुनील सेठी तेरी पावर, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलेनियम। बात समझ में आ गया, ये आपका होता है फिर कल बाहर आई आरती या फिर आंटी, दोनों में से कोई भी एक कर लो। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अब इसका क्या होता है बेटा, हीना, नीना और करीना, और करीना जेरोक्स करते रहना, ठीक है। हीना, नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, ये कुछ मैंने बनाया बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल। ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमको पी ब्लॉक एलिमेंट में इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आपको बताया जाएगा आगे बच्चों अच्छे से, आगे मैं अच्छे से लूंगा इसका डिस्कशन। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बोनस मार्क्स दिला के जाएगा। मैं जिस कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ उस कंसेप्ट से अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ोगे तो डायरेक्टली आपको बोनस मार्क्स दिला के नहीं जाएगा। जो जो मैं बोलता जाऊँ वो करते जाओ इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इस चैप्टर के लिए जो जो मैं बोलता जाऊँ वो करते जाओ, आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स दे के जाएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है इस चैप्टर को। देखो ये आपका है पी ब्लॉक, ठीक है। इस फैमिली को हम लोग बोलते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली, इस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों बोरॉन फैमिली, ठीक है। इस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद वाले फैमिली को हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। ये सब कहीं ना कहीं मैंने क्लास 11th में पढ़ाया है, फिर मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, आप इससे फेमिलियर हो जाओ। कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली के बाद ये कौन सा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। साथ साथ इसका नाम क्या होता है, निकोजन फैमिली। कौन सा होता है, निकोजन फैमिली, ये बात ध्यान रखो। इसका नाम क्या होता है, निकोजन फैमिली। और इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, पहला देखो, पहला कंपाउंड रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं पहले सारे। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा है, ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली, इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, चालकोजन, चालकोजन। अब देखो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोला जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसको बोला जाएगा यहाँ पर, इसको बोला जाएगा यहाँ पर हैलोजन फैमिली,
हेलोजन फैमिली, और इसको बोला जाएगा यहाँ पर, ये वाली फैमिली को बोला जाएगा नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। पहले इसको इनर्ट गैस बोला गया, बाद में इसका नाम नोबल गैस पड़ा। ये सब बहुत बहुत अच्छे से डिटेल में लूंगा मैं, डिटेल कंसेप्ट इन सबका। चलो ये तो हमारा हो गया। अब जनरल में आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप नंबर आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, इसी को हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो इसका ग्रुप नंबर जो इसका रोमन नंबर होता है वही इसका ग्रुप नंबर होता है। इसका जीआर नंबर क्या होगा, जीआरपी नंबर इसका हो जाएगा। ग्रुप नंबर कौन सा होगा बच्चों, ये इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 8। ठीक है, ये इसका ग्रुप नंबर हो गया। अब पीरियड नंबर देख लेते हैं बच्चों। हीलियम आपका पीरियड 1 में आता है, हीलियम आपका पीरियड 1 में आता है, ये आपका किस में आता है पीरियड 2 में आता है, ये आपका किस में आता है बच्चों पीरियड 3 में आता है, ये आपका किस में आता है पीरियड 4 में आता है, ये आपका किस में आता है बच्चों पीरियड 4-5 में आता है, और ये आपका किस में आता है बच्चों पीरियड 6 में आता है। तो इस तरीके से ये इसके पीरियड्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर याद करने का सिंपल तरीका है बच्चों, इसमें समझना, इसके आगे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट चलते हैं, इसके आगे आपके 3D, इसके आगे आपके 4D एलिमेंट, इसके आगे आपके यहाँ पर 5D एलिमेंट आते हैं, इसके आगे यहाँ पर कौन से एलिमेंट आते हैं 5D एलिमेंट। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर 5D एलिमेंट आते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझना है। यहाँ पर 4D और 4F दोनों आते हैं, यहाँ पर आपके नहीं यहाँ पर आपके 5D और 4F दोनों आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ये काम में लूँगा मैं। ठीक है, ये थोड़ा सा था आपका ऑर्डर। अब इसमें देखो बेटा, जनरल जो ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड में लिखा रहा हूँ, एक्सेप्शनल अभी नहीं बताऊँगा, जनरल ट्रेंड जो होता है बच्चों, जनरल ट्रेंड जो होता है एटॉमिक, वो एटॉमिक साइज का जो जनरल ट्रेंड होता है वो समझो। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो एटॉमिक साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका घटेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एटॉमिक साइज आपका घट रहा है, मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कि बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो बताओ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से किसका साइज छोटा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। मैं अभी जनरल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, केवल और केवल जनरल ऑर्डर की, मैं अभी कंप्लीट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें नोट डाल के मैं यहीं पर लिखा देता हूँ, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, इन आवर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन इट्स रेस्पेक्टिव पीरियड, इन इट्स रेस्पेक्टिव पीरियड हाईएस्ट एटॉमिक साइज विल बी नोबल गैस एलिमेंट, हाईएस्ट एटॉमिक साइज किसका होता है बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट का हाईएस्ट एटॉमिक साइज आपका किसका होता है बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट का। नोट डाल के लिखो, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाईएस्ट साइज किसका होगा, नियोन का। अगर मैं पीरियड 2 में बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज किसका होगा, नियोन का। अगर मैं पीरियड 3 में बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज किसका होगा, ऑर्गन का। अगर मैं पीरियड 4 में बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज किसका होगा, आपका क्रिप्टोन का। अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज किसका होगा, ज़ेनॉन का। और इसमें बात करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज आपका किसका होगा, रेडियम का। तो इन सब का अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट साइज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वंडरवॉल
वंडरवॉल बॉन्डिंग, और वंडरवॉल बॉन्डिंग, और वंडरवॉल बॉन्डिंग एक टाइप की क्या होती है बेटा, वंडरवॉल बॉन्डिंग, वंडरवॉल बॉन्डिंग बनाने की वजह से। और बात को ध्यान से समझना, अब यहाँ पर वंडरवॉल बॉन्ड बनाता है, ये आपका कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चों, वंडरवॉल बॉन्ड। अब जब ये आपका वंडरवॉल बॉन्ड बनाएगा तो वंडरवॉल बॉन्ड की रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। वंडरवॉल बॉन्ड की रेडियाई क्या होती है बच्चों, सबसे ज्यादा होती है। जब वंडरवॉल बॉन्ड की रेडियाई सबसे ज्यादा होगी तो इसका भी रेडियाई क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा। इसका भी रेडियाई क्या हो जाएगा, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होगा बच्चों, आपका नोबल गैस एलिमेंट का। ये बात का ध्यान रखें, ये मैंने बताया एटॉमिक साइज के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल ट्रेंड्स में बात कर लेंगे, मैंने इसमें इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका होता है NS2NP1, इसका होता है NS2NP2, इसका क्या होता है बच्चों NS2NP3, इसका क्या होता है NS2NP4, इसका क्या होता है NS2NP5, और इसका क्या होता है NS2NP6। ये इसका जनरल ऑर्डर का होता है। अब जनरल ऑर्डर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। हियर एन इज अ व्हाट, एन इज अ नंबर ऑफ पीरियड, एन इज अ नंबर ऑफ पीरियड, एन इज अ नंबर ऑफ पीरियड। अब आप बोलो कि ये जनरल लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है बेटा, जनरल लिखा है। तो जनरल आपका नाइट्रोजन फैमिली का क्या होगा बच्चों, NS2Na। जनरल आपका यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, नाइट्रोजन फैमिली का जनरल हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। हाँ, आपके सिलेबस में बच्चों, आपके जो ट्वेल्थ में यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी पूरा बता देता हूँ। बोरोन फैमिली का आपका कितना होता है, बोरोन फैमिली का कितना होगा बच्चों यहाँ पर, ये तो मैंने वहाँ बता ही दिया, तो काफ़ी है। जनरल, जनरल इसके रेस्पेक्टिव मैंने ग्रुप का आप लोगों को बता दिया, काफ़ी है इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती क्या है, अब बात को ध्यान से समझना, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस स्टेट, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस स्टेट। ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था मैंने, आप लोग भूल गए होंगे तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस, गैसियस एटम, यहाँ पर लिख लेना एनर्जी रिक्वायर, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम से हमको एनर्जी, हमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेट, आपका कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, बात को समझना। अब देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं बोलना चाहूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब इसके कंसेप्ट को समझ लो, फिर मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा। ये आपका यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियाई होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपका देखो, जैसे जैसे, जैसे जैसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ अ आइसोलेटेड गैसेस एटम, दिस इज़ अ आइसोलेटेड गैसेस एटम, दिस इज़ व्हाट, आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये आपका आइसोलेटेड गैसेस एटम है। अब देखो आइसोलेटेड गैसेस एटम से जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेस डिस्टेंस पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है,
अब आप खुद गौर करो कि किसमें अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, वन में होगा या दो में होगा, खुद सोचो, खुद सोचो, वन में होगा या दो में होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर वन में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दो में, वन में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टू में, या फिर मैं इसके लिए अलग डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक और आपका बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ डायग्राम वन में आपका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा कि टू में, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्शन पावर इसमें ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर आपका इसमें ज़्यादा होगा। अब जब इसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर इसमें ज़्यादा होगा, अब जब इसमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमको एनर्जी क्या लगेगी, हाईली एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में क्या लगेगी एनर्जी मुझको, हाई लगेगी। लेकिन इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, आपका अट्रैक्शन पावर क्या होगा, वीक होगा। अब जब इसका अट्रैक्शन पावर आप लोगों का वीक होगा, अब जब इसका अट्रैक्शन पावर आप लोगों का वीक होगा तो यहाँ पर मैं इजीली रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, इजीली रिमूव कर सकता हूँ। तो आपको एक चीज़ समझ में आया है, समझ में आया है कि इसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। छोटे साइज में अट्रैक्शन पावर क्या, छोटे साइज में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखो, फेमिलियर रहो इन सबसे, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा है, अगला टर्म है बच्चों आप लोगों का यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म, आपको समझ में आ गया। अब देखो ट्रेंड देख लेते हैं, जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड मैं बता देता हूँ, फिर एक्सेप्शन तो मैं इसी के साथ बताऊंगा। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझना बात को, जनरल ट्रेंड होगा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, क्योंकि साइज क्या होगा, घटेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी क्योंकि क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये लेफ्ट टू राइट, ये आपका टॉप टू बॉटम, क्लियर हो गया। दैट इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज अ जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम क्या बोलते हैं, देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने बनते हैं बच्चों, तीन बनते हैं, तीन में आपके तीन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे, समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुल फिल होगा एनएस टू एनपी सिक्स, तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना, एक दो तीन चार, चार पाँच छ, ये आपका फुल फिल्ड है, तो इसको बोलते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। आप ध्यान से समझना, पहले पहले क्या होता है बच्चों, हमेशा हमेशा ऑर्डर में क्या लेते हैं, पहले फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल, पहले हम देखेंगे साइज, पहले इसको देखने का तरीका है, पहले हम देखेंगे साइज, साइज से अगर सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम देखते हैं फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल का, फुल फिल्ड ऑर्बिटल का आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, फिर आपका होता है बच्चों हाफ फिल्ड का, फिर होता है हाफ फिल्ड का, उसके बाद होता है बच्चों यहाँ पर पार्शली फिल्ड का। अब देखो पार्शली फिल्ड के अंदर कौन कौन से आएंगे, जो हाफ फिल्ड नहीं होगा, जो फुल फिल्ड नहीं होगा, वो किसके अंदर आएगा बच्चों, पार्शली फील्ड के अंदर। तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, अभी शुरुआत का एक दो लेक्चर आप लोगों को टफ जाएगा, उसके बाद इजी जाने लग जाएगा चैप्टर ये, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, अभी हमने क्या किया, आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, आप देख लेते हैं अगला टर्म, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप समझ लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एनर्जी रिलीज,
एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बात समझना, आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब समझना बात को ध्यान से, जैसे मेरे पास देखो ये छोटा एटम है और ये आपका बड़ा एटम है, मुझे इसमें भी बताना है ना। अब देखो छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, ये कौन सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, मतलब मैं जो एडिशन करूँगा पास आते ही थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन जल्दी से कर लेगा। एफिनिटी का मतलब किसी चीज़ को गेन करना, किसी चीज़ के टुवार्ड अपने को अपना प्यार बताना, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है किसी के टुवार्ड अपना प्यार बताना, अपना लव बताना। अब ये देखो छोटा साइज है तो प्रोटोन ज़्यादा छोटा साइज है तो इजिली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बहुत दूर है, साइज दूर है तो डिस्टेंस दूर है, तो अट्रैक्ट उतना नहीं कर पाएगा, तो वो उतना प्यार नहीं करेगा, जब वो उतना प्यार नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होती है। तो हम यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है। ये भी आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा क्योंकि साइज घटेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका घटेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा, बस ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक दो पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, काम काम के पॉइंट्स लिखा रहा हूँ बच्चों। ऑल मेटल, अब मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया, चार पॉइंट तो लिखा दिया, ये चार आगे के हो गए। फिफ्थ, ऑल मेटल्स आर लो इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों आपका समझना बात, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑल मेटल हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका मीनिंग हुआ कि आपका मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ बच्चों आपको, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स हैज़ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल के हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये बातें ध्यान रखो, ठीक है। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके नॉन मेटल होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ वैल्यू तो मैंने लिखा रखा है, डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है क्योंकि साइज आपका बढ़ता है, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि साइज आपकी घटेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों ऐसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है बेटा, मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैविंग अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्सेल्फ, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट उसका अलग होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा उससे अलग होता है बच्चों। हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अक्सर सेम कर दिया करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा
अलग होता है। क्या होता है भाई बच्चों, वो थोड़ा सा डिफरेंस उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारी वो प्रॉपर्टी जो हमारे काम आने वाली है, ठीक है, जो हमारे काम आने वाली है। आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर 6 प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, 6 प्रॉपर्टी में इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको अभी समझना है, फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। इन शॉर्ट में 6 प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अब बात समझना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली आपका क्या होता है, ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर -8 ओ ए नंबर, ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर GRP नंबर। मतलब क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 3। तो आपका 3 -8 कौन सी फैमिली का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, समझो यहाँ पर थर्ड ए फैमिली का ग्रुप नंबर 3। तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ थर्ड ए फैमिली से कहाँ लाई करेगा, थर्ड तक। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप नंबर -8 8 N2 ग्रुप नंबर तक आपका ऑक्सीडेशन नंबर लाई करता है। इस चीज को तो थोड़ा समझना, ठीक है। चाहे आप किसी भी फैमिली का निकाल सकते हो, एज एग्जाम्पल मैं अगर फिफ्थ ए का निकालना चाहूँ तो फिफ्थ ए का कैसे निकालूंगा बच्चों, जल्दी बोलो। ग्रुप नंबर -6 कितना होगा, -22, समझो बेटा -22 6 हो जाएगा बच्चों इसका। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखो, इस पॉइंट को ध्यान रखो। और इसमें एक और पॉइंट है, डाउन टू द ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका ज्यादा स्टेबल होता है डाउन टू द ग्रुप। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, इस तरीके से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा आगे, अब हम आगे दे दे देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है, आगे देख लेते हैं इससे। अब हम चलते हैं बच्चों, हमको यहाँ पर केवल नाइट्रोजन फैमिली, हमको इस चैप्टर में कौन कौन सी फैमिली को पढ़ना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बेटा आपको केवल और केवल फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप, ठीक है। फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, मैं अब आपको बता देता हूँ। फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप, ठीक है। ये हमको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है, हमको इतना सा इसके अंदर पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब नई फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। फिफ्थ ए ग्रुप, यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फिफ्थ ए ग्रुप चालू करते हैं। आप देखो एक एक करके आप सब सब समझेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में आपका एन, एन क्या बोलता है बच्चों, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर्सेनिक, इसको क्या बोलेंगे, एंटीमनी, एंटीमनी, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बीआई को बिस्मत, बीआई को क्या बोलेंगे बच्चों, बिस्मत। ये आपके इसके नाम है, ठीक है, ये आपके इसके नाम है। अब देखो इसमें मुझे आप सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ एटॉमिक नंबर निकालने का, तो थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे। 7, ठीक है, सबसे पहले 7। अब 7 में 8 ऐड करो, 7 में कितना ऐड करना है बच्चों आपको, 8, तो 8 ऐड करेंगे तो 7 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 15, ठीक है। अब 15 में आप लोग ऐड करो बच्चों यहाँ पर, 15 में आप लोग ऐड करो बच्चों यहाँ पर 18, तो कितना आ जाएगा, 8 को 5 से ऐड किया, 15 में आपको 18 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों देख लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग जान पाओगे जल्दी से। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3, तो
तो इसका होता है 33, ठीक है 33, और इसका कितना होगा बच्चों? अब यहाँ पर भी आपको 18 ऐड करना पड़ेगा, तो 33 में 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 11, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 51। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, देखते हैं। अब इसमें आपको 32 ऐड करना है, कितने ऐड करना है? 32। तो 51 में जब आप 32 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? 38, तो यहाँ पर आ जाएगा 83, ठीक है। तो दीज आर द एटोमिक नंबर। एटोमिक नंबर कैसे निकाला बच्चों मैंने, एक और बार समझेंगे। इसमें 8 ऐड किया, इसमें मैंने 18 ऐड किया, इसमें मैंने कितना ऐड किया? 18 ऐड किया, इसमें मैंने कितना ऐड किया? इसमें मैंने कितना ऐड किया बच्चों? 32। क्यों ऐसा हुआ उसको समझते हैं, उसको समझते हैं। देखो आर्सेनिक के पहले आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, कौन सा आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से 18 ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके रास्ते में कौन आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट भी आएगा, तो इसलिए इसमें 18 ऐड करते हैं। यहाँ पर भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, देखो सॉरी, यहाँ पर आर्सेनिक में आपका क्या होगा? आर्सेनिक के पहले आपका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 3D आएगा, तो आर्सेनिक के पहले, सॉरी यहाँ मैं बता देता हूँ, 18 हटा देता हूँ, अब तुमको समझ में आ गया 18 मैंने क्यों ऐड किया है, मैं बता देता हूँ अभी। अब देखो आर्सेनिक के पहले कौन सा आता है बच्चों? 3D आता है। इसके पहले कितना आता है? 4D आता है। और इसके पहले कौन सा आता है बच्चों? 4F5D। अब आप लोग समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पर F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था ये सारी बातें। D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो D को जोड़ के इसमें 18 ऐड करेंगे। इसमें D में आपके 10 एलिमेंट होते हैं और कुछ एलिमेंट नोबल के इसके आगे और पीछे के, तो इसमें भी 18 ऐड करेंगे। और जैसे ही ये आ जाएगा तो 18 में F में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 18 में मैंने क्या किया? 14 को ऐड किया, तो कितना आ गया? 32। तो इसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ये सारी बातें ध्यान रखो, इसके पहले 18, इसके 15 में 18 जोड़ेंगे 33, 33 में 18 जोड़ेंगे 51, 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83। इस तरीके से हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। चलो तो अब हम इसके बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या इसका अकरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या समझ लेते हैं बच्चों? अकरेंस, ये नेचर में कैसे मिलता है, अकरेंस को समझ लेते हैं। तो अकरेंस, सबसे पहले नाइट्रोजन का अकरेंस समझते हैं। आप लोग जानते हो बच्चों हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है और आपका 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, इन आवर एटमॉस्फेयर। पहला पॉइंट समझते हैं, इन आवर एटमॉस्फेयर 78% ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इज प्रेजेंट, मतलब 78% आपका बाय वॉल्यूम आपका प्रेजेंट है क्या? नाइट्रोजन। ये बात आप लोग जानते हो, जनरली जैसे ही मैं कहीं एयर लिखता हूँ तो एयर का मतलब आप लोग क्या मानते हो केमिस्ट्री में? 78% नाइट्रोजन और 22% आप लोग ऐसे ही सोल्व करते हो ऑक्सीजन, और बाकी को क्या करते हो? नेगलेक्ट। लेकिन नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसे ही करते हो इन केमिस्ट्री में कैलकुलेशन, तो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये बात जान के चलो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% आपका नाइट्रोजन गैस होता है, जो कि आप नॉर्मल से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन सम इम्पोर्टेंट फॉर्म लाइक
फर्स्ट आपका होगा चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर। सेकंड होगा आपका इंडियन सॉल्ट पीटर। कौन सा होगा? इंडियन सॉल्ट पीटर। बातों को ध्यान से समझते जाओ, चिले सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। चिले सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला बच्चों यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद करना चाहिए। चिले सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 और इंडियन सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका KNO3। एक्चुअली NaNO3 आपका सोल्यूबल होता है, NaNO3 आपका सोल्यूबल होता है। क्यों होगा ये मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये मैं आप लोगों को कहाँ बताऊंगा बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये मैं आप लोगों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में इस पार्ट को मैं अच्छे से लूंगा, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है अर्थ क्रस्ट पे, वो आपको कौन से अमाउंट में मिलेगा बच्चों? ये आपको मिलेगा स्मॉल अमाउंट में। ये वाले जो ये जो पॉइंट होगा इन इम्पोर्टेंट एग्जिस्ट इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, लिख दो इसको, स्मॉल अमाउंट भी लिखना होता तो स्मॉल अमाउंट ही लिख दो, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में मिलेगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन आपका किस में प्रेजेंट होगा? आप देखो बायोलॉजिकल पॉइंट से, ये मैं बायोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, वो बायोलॉजिकल पॉइंट से, बायोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से। अब थोड़ा सोचो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो, ठीक है, तो बायोलॉजिकल पॉइंट के हिसाब से नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल एज वेल एज प्लांट्स ऑल्सो। मतलब आपके एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हम में ही प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटीन एंड अ न्यूक्लिक एसिड। ये आपका कैसे प्रेजेंट होता है? एज अ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आपका प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ याद करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली जो नाइट्रोजन होता है बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन आपका बायोलॉजिकल में, नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है बच्चों हमारा? नाइट्रोजन साइकिल हमारा क्या होता है, ठीक है, आप देखो, नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली आपका इस टाइप का साइकिल होता है जो आपके बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेयर के बीच आपका रिलेशन क्रिएट करे। मतलब आपके यहाँ पर बायोलॉजिकल, देखो यहाँ पर बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेयर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करे, मतलब एक साइकिल क्रिएट करे। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेयर के बीच अगर आपका नाइट्रोजन जो साइकिल क्रिएट करता है, नाइट्रोजन आपका जो साइकिल क्रिएट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन साइकिल, इस चीज़ को समझो। अब नाइट्रोजन साइकिल कैसा होता है इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, इसको मैं इस तरफ डिफाइन करता हूँ, आप लोगों को देखना नाइट्रोजन साइकिल कैसा होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिएक्शन समझना। सबसे पहला इसमें रिएक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात क्लियर है? सबसे पहला रिएक्शन हमारा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद होगा अमोनिफिकेशन, उसके बाद कौन सा होगा? अमोनिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद होगा आपका नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद कौन सा होगा बच्चों? आपका नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा होगा यहाँ पर, समझ लेते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो अमोनिफिकेशन में क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो, इतना डिटेल में मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में है ये, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, बायोलॉजी है लेकिन और जेई वाले बच्चों के काम का नहीं है। तो N2 आपका किस में कन्वर्ट होगा? N2 आपका अमोनिया में कन्वर्ट होगा। N2 आपका किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों?
नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके कितने भी टाइप से हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हमको कोई जरूरी नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और या फिर हम लोग यहाँ पर अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होगा बच्चों, यूरिया से अमोनिया का फॉर्मेशन। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, यूरिया से अमोनिया का फॉर्मेशन, यूरिया से अमोनिया का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, जो आपका NH3 है, NH3 से NO2 बन जाना, NH3 से NO2, NO3 माइनस बन जाना, NH3 से क्या बन जाना, NO3 माइनस बन जाना, ठीक है, या फिर इसको कर लो अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया, अमोनियम आयन बना देगा, ठीक है। NH4 प्लस से NO2 प्लस बन जाना, या फिर आप बोल सकते हो NO3 माइनस बन जाना, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। मतलब अमोनियम आयन से अगर आपका नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट आयन बनेगा तो ये नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, NO3 माइनस NO2 माइनस NO2, इस तरीके से ना बता के मैं इसको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। अब देखो NO3 माइनस से फिर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, NO2 बन जाए, NO2 माइनस बन जाएगा, और NO2 माइनस से क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, NO गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी, NO, NO से आपका क्या बन जाएगा N2O, और N2O से आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस। अब यही नाइट्रोजन गैस फिर से आपका साइकिल के फॉर्म में इधर जाएगा और फिर आपका ऐसा बनेगा, फिर आपका इस तरीके से कंटिन्यूस आपकी चेन बनती रहेगी। ये इधर काम आया, ये यूरिया मतलब एज अ, अब देखो ये जो अमोनिया है वो आपका सोइल में भी जा सकता है। अब सोइल में किस फॉर्म में जाएगा बच्चों, यूरिया के फॉर्म में। सोइल में किस फॉर्म में जाएगा, यूरिया के फॉर्म में, बैक्टीरिया वहाँ यूरिया फॉर्म क्रिएट करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर आपका नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट होता है। तो जनरली जेई ने नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, तो आई होप सो कि अब आप लोगों को ध्यान रहेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, या तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दो, या तो नाइट्रोजन को वो NO3- माइनस में कर दो। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल में जनरली आपका नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो अमोनिया में बदलता है। समझ में आया, पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस जो होता है आपका कौन सा होता है, पहला प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस होता है आपका अमोनिफिकेशन, तीसरा प्रोसेस जो होता है आपका नाइट्रिफिकेशन, और चौथा प्रोसेस होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, देखो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको, बात समझ में आ गई बच्चों। इसको एक बार आप लोग, मैं वीडियो को पोस्ट करके इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम ना फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों हमारा हो गया किसके बारे में, नाइट्रोजन का अकरेंस, हमने किसका अकरेंस देख लिया बच्चों यहाँ पर, नाइट्रोजन का अकरेंस। ये बहुत ही बढ़िया था और ये आप 100% आज से ही, आज ही आज याद कर लोगे, आज के आज ही इतना याद करो, ठीक है, डेली के डेली पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा चैप्टर। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉस्फोरस का, ठीक है, तो देख लेते हैं फॉस्फोरस का क्या होगा। देखो फॉस्फोरस आपका एग्जिस्ट कैसे करता है, देख लेते हैं फॉस्फोरस आपको नेचर में कैसा मिलेगा, समझ लेते हैं। तो यहां पर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपके नेचर में किस तरीके से मिलेगा बेटा, समझ लेते हैं। फॉस्फोरस आपको एक्चुअली एक कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फोरस आपके एक मिनरल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ सी ए थ्री पी ओ फोर पी ओ फोर टू, यहां पर आ जाएगा सी ए एक्स टू, वेयर एक्स इज अ फ्लोरीन क्लोरीन ओ एच, ठीक है, ओ एच इस टाइप के आपके हो सकते हैं यहां पर एटसेट्रा। ठीक है, ये आप ध्यान रखो कि जो फॉस्फोरस आपका अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट होता है वो आपका इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब फॉस्फोरस अगर आपका अर्थ क्रस्ट में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आईआईटी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। कौन सी फैमिली बोलते हैं? एपेटाइट, एपेटाइट फैमिली। अब एपेटाइट फैमिली बात को ध्यान से समझना, ये आपका कौन सा फैमिली हो जाएगा बच्चों? आपका एपेटाइट फैमिली ये आपका हो चुका है, ठीक है ना, एपेटाइट फैमिली हो चुका है। और जनरली आपका बोन और टिथ में, बोन और टिथ में, बोन एंड टिथ में आपका किस फॉर्म में प्रेजेंस होगा बच्चों? आपका बोन और टिथ में आपका सी ए थ्री पी ओ फोर टू सी ए एफ टू, इसको हम क्या बोलेंगे, x की जगह f लग देंगे तो हम यहाँ पर सी ए एफ टू के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और इसका नाम होगा बच्चों हमारा फ्लोरो एपेटाइट। क्या नाम होगा बच्चों इसका? हमारा फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों हमारा? फ्लोरो एपेटाइट। अगर मैं क्लोरीन का यूज करता हूं तो क्या बोलूंगा? क्लोरो एपेटाइट। OH का यूज करूंगा तो क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर मैं लिख देता हूं फिर भी सी ए थ्री पी ओ फोर टू सी ए सी एल टू, तो इसको क्या बोलूंगा बच्चों में? क्लोरो एपेटाइट। क्या बोलूंगा? क्लोरो एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट। ठीक है, आपको बुक में थ्री लिखा होगा आगे, तो यहां पर आप लोग भी थ्री लिख लो, क्लोरो एपेटाइट। और इसको क्या बोलूंगा बच्चों यहां पर? सी ए ओ एच टू, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, काफी इजी है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर फॉस्फोरस का अकरेंस होता है। अब आपका फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? आप लोगों ने बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता देता हूँ, यही सीक्वेंस मेरा पूरे चैप्टर में चलेगा, तो आप लोग देख लेना बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ये एक्चुअली आपका डीएनए और आरएनए में प्रेजेंस होगा। किस में प्रेजेंस होगा? डीएनए एंड आरएनए में। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए में आपके लिंकेज के बीच आपका प्रेजेंस होता है। और डीएनए और आरएनए में ये आपका पीओ थ्री पीओ फोर थ्री माइनस आपका लिंक डेवलप करता है, ये आपका लिंकेज क्रिएट करता है। ये आपका क्या क्रिएट करता है? लिंकेज, लिंकेज। ये आपके लेयर के फॉर्मेशन में काम आता है, जो कि मैं आपको कहाँ बताने वाला हूँ बच्चों? बायोमोलिक्यूल में। तो वहाँ से ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल में सर ये वाला पॉइंट बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इससे तैयार रहना। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद अब हम समझ लेते हैं अदर एलिमेंट। फॉस्फोरस के बाद अदर एलिमेंट ध्यान रखना, फॉस्फोरस के बाद जो आपके एलिमेंट है कौन कौन से बचा? एंटीमनी, बिस्मेथ और कौन से? आर्सेनिक। तो देख लेते हैं, आर्सेनिक, 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 एंटीमनी, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये तीनों के तीनों आपके किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बच्चों? सल्फाइड आयन के फॉर्म में। ठीक है, रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं बच्चों? रेयर अमाउंट में प्रेजेंस होंगे, और वो भी आपके किसके? सल्फाइड आयन के साथ रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जनरली आपके किसके साथ प्रेजेंस होते हैं बच्चों? एस माइनस टू आयन के साथ। ठीक है, अब एस माइनस टू आयन के साथ इसका बनाओ, ये प्लस थ्री, ये प्लस थ्री, ये प्लस थ्री, बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा? एस टू एस थ्री के फॉर्म में प्रेजेंस होगा, एस बी टू एस थ्री के फॉर्म में प्रेजेंस होगा। क्रिस क्रॉस करा दो ना, सिंपल तरीका है, बी आई टू एस थ्री के फॉर्म में प्रेजेंस होगा, मतलब सल्फाइड से। दीज आर व्हाट? दीज आर सल्फाइड। ये आपका क्या है बच्चों? आपका यहाँ पर सल्फाइड से, क्या है बच्चों? ये आपका यहाँ पर
सल्फाइड से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर अकरेंस खत्म होता है, हमारा यहाँ पर क्या खत्म होता है बच्चों, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक एक करके देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये आपका सेकेंड पीरियड का है, ये आपका थर्ड पीरियड का है, ये आपका फोर्थ पीरियड का है, ठीक है, ये आपका फिफ्थ पीरियड का है, ये आपका सिक्स्थ पीरियड का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इन सब का लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन आप लोग जानते हो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों का क्या होता है बच्चों, इसका NH2NP3। और यहाँ पर N क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड। N क्या होता है बच्चों, आपका नंबर ऑफ पीरियड। तो नाइट्रोजन के पहले आपका कौन सा आपका होगा, हीलियम होगा, हीलियम के बाद आपका हीना नीना, हीना नीना और करीना जेरोक्स करते रहना, ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखना, काफी सिंपल है। और देखो इसके बाद यहां पर सिंपल लिख दो 2s2 2p3, याद आया डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद 3s2 3p3, इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, 4 में आपका db आता है, तो आपका 3d10 4s2 4p3, ये भी लिखना पड़ेगा। यहां पर आपका db आता है ना 3d, यहां पर भी आपका 4d आता है पहले, तो यहां पर 4d10 5s2 5p3। और यहां पर इसके आगे कौन आता है, 4a 4 5d, तो 4a 14, 5d10 6s2 6p3। ये आपका क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। आई होप सो कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर एटॉमिक साइज के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हो गया पहला प्रॉपर्टी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हटाऊंगा, अब मैं बात करता हूँ एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज का क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया एटॉमिक साइज, जनरली जब मैं पीरियोडिक टेबल में चलता हूँ, व्हेनेवर जब भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो क्या होता है बच्चों आपका, जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो आपका साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, साइज आपका घटता है। लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो क्या होगा बच्चों आपका साइज, लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो साइज आपका क्या होगा बच्चों, घटेगा, ठीक है। और जब भी मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, साइज बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें नोट डालने वाली बात ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, देखो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, ठीक है, हाई डिफरेंस इन साइज, हाई डिफरेंस इन साइज, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हाई डिफरेंस इन साइज, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्सेनिक टू बिस्मिथ में, इसमें बात करूँ बच्चों आर्सेनिक टू बिस्मिथ में, तो यहाँ पर आपका साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर आपका साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पर साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता कि समझना, लेस डिफरेंस इन साइज, लेस डिफरेंस इन साइज, आप बेटा ये बात ध्यान रखना, लेस डिफरेंस इन साइज मतलब साइज तो ऐसा ही होगा, नाइट्रोजन का कम होगा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक के बाद एंटीमनी के बाद बिस्मिथ। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी लेस होगा, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा साइज में एस बी और ए एस के साइज में वो काफ़ी लेस होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में साइज का मैं अगर डिफरेंस बोलना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये लेस क्यों होगा,
इसका रीजन हम समझते हैं यहां से, समझो। इसका रीजन समझने का सबसे सिंपल तरीका है, देख लेते हैं इसका रीजन कहां से आएगा बच्चों। देखो एस के आगे कौन सा है बच्चों आपका, थ्री डी है। एस के आगे कौन सा है बच्चों आपका, थ्री डी है। एस के आगे आपका थ्री डी है। एस बी के भी आगे आपका कौन सा है बच्चों, यहां पर फोर डी है। और आपका बिस्मिथ के आगे आपका कौन सा है बच्चों, फोर एफ फाइव डी है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जनरली जो आपके 3D और 4F की शील्डिंग पावर पुअर होती है। यहीं पर मैं बताऊंगा शील्डिंग पावर क्या होती है, 3D D और F की। देखो शील्डिंग पावर आपकी किसकी ज्यादा होती है, ध्यान से समझना। शील्डिंग पावर आपकी किसकी ज्यादा होती है बच्चों, S की ज़्यादा होती है, फिर आपके P की होती है, फिर आपके D की होती है, फिर आपके F की होती है। तो पुअर शील्डिंग पावर है D और F का, यहाँ पर क्या है बच्चों, पुअर शील्डिंग पावर है। अब शील्डिंग पावर होता क्या है वो आप समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो इनका होता है बच्चों आपका पुअर शील्डिंग पावर। अब इसका पुअर शील्डिंग पावर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना। ये मैं कोई एटम बना रहा हूँ, ये मैंने कोई एटम बनाया, ठीक है। ये मैंने कोई क्या बनाया बच्चों, एटम बनाया। अब देखो कि अगर ये मेरा डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल का क्या क्या होता है, साइज बहुत बड़ा होता है। डी ऑर्बिटल का साइज क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर होंगे। नहीं समझ में आ रहा है समझना। यहाँ पर देखो 4F 5D के बाद 6S आ रहा है, तो यहाँ पर 4F समझना। यहाँ पर सिंपल बोल देता हूँ कि न्यूक्लियाई है, पहले 4F आ रहा है, फिर 5D आ रहा है, फिर 6S आ रहा है, फिर आपका 6P आ रहा है। देखो इसकी शील्डिंग पावर आपकी लेस होती है, इसकी भी शील्डिंग पावर आपकी लेस होती है। तो जब इसकी शील्डिंग पावर लेस होगी तो ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स को शील्ड नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स को क्या नहीं कर पाएगा बच्चों, 4F 5D, ये इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स को शील्ड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जितना बड़ा साइज उतना इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा बच्चों, दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्या होगा, जो इनर साइड का जो इलेक्ट्रॉन है, इनर साइज का जो प्रोटॉन है, वो 6s को डायरेक्टली देख लेगा। वो क्या करेगा, 6s को डायरेक्टली देख लेगा। फिर से समझना, यहाँ प्रोटॉन है, 4f का साइज बड़ा है, 4f का साइज बड़ा होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 5d का साइज भी बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो और 6s में इलेक्ट्रॉन पास पास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जब यहां पर प्रोटॉन क्या करेगा, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है 6s को। यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है तो वो 6s को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब 6s को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, Then size will be less। तो समझ में आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और पॉइंट ध्यान रखो कि जिस शील्डिंग पावर क्या होता है, इनवर्स, शील्डिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। मतलब जिसका शील्डिंग पावर ज्यादा होगा, जिसका शील्डिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज, शील्डिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। शील्डिंग पावर ज्यादा, इनवर्सली कर लो ना, शील्डिंग पावर ज्यादा, हाँ शील्डिंग पावर यहाँ पर पुअर शील्डिंग पावर है इसलिए साइज छोटी है। हाँ तो शील्डिंग पावर कम है तो, हाँ तो शील्डिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जिसकी शील्डिंग पावर ज्यादा उसकी साइज छोटी, और जिसकी शील्डिंग पावर यहाँ पर शील्डिंग पावर पुअर है, पुअर शील्डिंग पावर है, पुअर शील्डिंग पावर की वजह से शील्डिंग पावर कम है तो
तो इसलिए आपका साइज क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। हाँ, सही है। देखो, शील्डिंग पावर बढ़ेगा, शील्डिंग पावर बढ़ेगा तो साइज भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन शील्डिंग पावर कम होगा तो साइज भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखो, शील्डिंग पावर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, शील्डिंग पावर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर तो शील्डिंग पावर किसका है बच्चों? एफ और डी का है। यहाँ पर डी का है, यहाँ पर डी का है। तो शील्डिंग पावर हो, पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से, मतलब यहाँ पर डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से, पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से क्या होता है बेटे? यहाँ पर पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से यहाँ पर लेस डिफरेंस इन साइज होता है, लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ, साइज ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई जो मैंने अच्छे से बताया बेटा? इसको आप अच्छे से याद रख लो, ऐसे ही बार 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 इस पर प्रैक्टिस करो। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो इसको मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, ये फिर से मैं पढ़ाने वाला हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट में। चलो नेक्स्ट, अब हम समझते बच्चों। एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीन बार नहीं आएगा, चौथी बार तो आ जाएगा, ऐसा सोच के चलने का, सर बहुत बार रिपीट करेंगे, ऐसा मन में मानोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। अगला देख लेते बच्चों, अब हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? अभी अभी बताया मैंने, पहले ही पहले पॉइंट पर मैंने आपको बता दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस एटम। फिर से बोला है मैं मेरे साथ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब यहाँ पर कोई आपका आइसोलेटेड गैसेस एटम है। कौन है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एटम है जो कि आपके कौन से स्टेट में है बच्चों? गैसेस स्टेट में। ये जरूरी है, आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, इसी एनर्जी को इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, मतलब एन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो भी वही, एन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ, हमको क्या लग रहा है यहाँ पर? एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब ये एटम को एनर्जी देनी पड़ रही है, एटम को मुझको एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है। सो क्या बोलेंगे? सो दिस फिनोमिना इज, दिस फिनोमिना इज एज एंडोथर्मिक फिनोमिना। यह आपका क्या होगा? एंडोथर्मिक फिनोमिना होगा, एंडोथर्मिक फिनोमिना। और एंडोथर्मिक होगा इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू के साथ होती है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यहाँ पर अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाऊँगा, अगर मैं देखना चाहूँगा कि टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में इसका ट्रेंड क्या होगा बच्चों? देखो ट्रेंड क्या होगा जनरली समझना, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी में टॉप टू बॉटम जाता हूं तो क्या होता है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है, सॉरी घटती है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी घटती है, या फिर मैं आपको बता देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, जो कि आपके टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बच्चों? घटता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटेगा, बात क्लियर है? अगर मैं इन सब में कंपेयर करूंगा ग्रुप में, अगर इस यहाँ पर मैंने सेम ग्रुप की बोला है, यहाँ पर सेम ग्रुप के बारे में बात करूंगा, अगर मैं सेम ग्रुप के बारे में बात करूंगा तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद आपका हो जाएगा बच्चों बिस्मिथ का। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अगर मैं बोलना चाहूंगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? समझना, लेफ्ट टू राइट में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक ही जगह हो जाएगा लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट। अगर मैंने यहाँ पर फोर्थ ए ग्रुप लिया, यहाँ पर फिफ्थ ग्रुप लिया, यहाँ पर मैंने सिक्स्थ ए ग्रुप लिया, यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप लिया, सिक्स्थ ए ग्रुप लिया। अब इस बातों को हमको समझना है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर फोर्थ ए ग्रुप है, यहाँ पर फिफ्थ ए ग्रुप है और यहाँ पर सिक्स्थ ग्रुप है। अब कैसे समझना बच्चों, यहाँ पर समझना, आप देखो अगर मैं बोलना चाहूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो आपके हिसाब से क्या होगा बच्चों, आपके हिसाब से होगा फिफ्थ सिक्स्थ ए का ज़्यादा होगा, फिर फिफ्थ ए का, फिर फोर्थ ए का। आप लोग जानते हो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली का ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम कार्बन फैमिली का ग्रुप, कार्बन फैमिली वाला ग्रुप, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली वाला ग्रुप, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप। बात क्लियर है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। अब आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, आपके माइंड में जो थिंक आया ये बिल्कुल करेक्ट थिंक है कि आप इसके हिसाब से जो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन फैमिली का ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन का। लेकिन जो आपने ऑर्डर सोचा है वो आपका गलत है, ये ऑर्डर एब्सोल्युटली आपका रॉन्ग है, ये आपका गलत है। आप लोग भी ऐसे लिखेगा, क्यों, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन फैमिली होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP3 होता है, इसका मतलब हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है कि क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, इसका हाफ फिल्ड होता है। और इन सब का क्या बोलेंगे, NH2NP4, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली फिल्ड। और इसको भी क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियली फिल्ड। समझ में आ गया, तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो किसका होगा बच्चों, फिफ्थ ए का होगा, उसके बाद होगा बच्चों आपका सिक्स्थ ए का होगा, उसके बाद किसका होगा बच्चों, फोर्थ ए का होगा। इस बात को आप लोग बार 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 रिपीट कर लो, ठीक है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा फिफ्थ ए का, उसके बाद सिक्स्थ ए का, उसके बाद फोर्थ ए का। अब ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, हमेशा आप लोगों का यहां पर क्या होगा बच्चों, इस चीज को समझना, हमेशा ध्यान रखना, फिफ्टींथ ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली, फिफ्टींथ ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली, मतलब क्या, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का आयोनाइजेशन केवल और केवल 16 ग्रुप से बड़ा होगा, कौन से ग्रुप से, 16 ग्रुप से बड़ा होगा। मैंने यहाँ पर 17 ग्रुप नहीं बोला, ऑक्सीजन फैमिली मतलब जनरल अगर मैं बोलना चाहूँ, आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अरेंज इन द, अरेंज इन द, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर एटम लिख देता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, फ्लोरीन। तो अब देखो लेफ्ट टू राइट में पहले इसको अरेंज करो, अब लेफ्ट टू राइट में पहले इसको आप लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, बोरोन आ जाएगा थर्ड ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा आपके फोर्थ ग्रुप में, ठीक है। देखो इसको ऐसे एक लाइन वाले पे लेफ्ट टू राइट में इसको अरेंज करो, बोरोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो यहाँ पर समझेंगे कि नाइट्रोजन कौन सा है, 15th ग्रुप, और ये कौन सा ग्रुप है, 16th ग्रुप है, मतलब 16th ग्रुप है, या फिर मेंडेलीव के हिसाब से इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिफ्थ ए ग्रुप और इसको बोलेंगे सिक्स्थ ए ग्रुप। आप ऐसे भी ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा केवल और केवल 16 ग्रुप से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होगा वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से ट्रेंड चलेगा। तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ये बात को आप लोग अच्छे से
अपने माइंड में सेट कर लीजिए, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, आप लोगों को करना है होमवर्क क्वेश्चन, समझना है यहाँ पर। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन फॉलोइंग एलिमेंट का देख लेते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। आप लोग देख सकते हो ये आपका सेम ग्रुप का है, ये भी आपका सेम ग्रुप का है। अब आपको करना है, तो ये बात आप लोगों को करना है, इसको सॉल्व, इसको एक दो बार अगर आप लोग सॉल्व करोगे, आपको अरेंज करना है ऑर्डर में, ठीक है, ये आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है कल मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी धीरे मैंने लिया है, कल से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अब बार बार आएंगे, समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट अब बार बार आएंगे, आपको याद करा दिए जाएंगे, डोंट वरी, बी रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स रहो, बस जो पढ़ाया है वो ध्यान रखो, जो पढ़ाया है वो ध्यान रखिए, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है बच्चों, ठीक है। और आपसे इस चीज़ का रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप लोग को सबसे अच्छा करना है, सो यूज दिस फॉलोइंग टाइम। और ये अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, अब आपका ब्लॉक केमिस्ट्री, और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में। अब बच्चे जब आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, इसका रीज़न क्या है, इसका एक ही डिफाइंड रीज़न है बच्चों यहाँ पर, कि हम लोग, ध्यान से समझना, हम लोग डेली टू डेली ब्लॉक केमिस्ट्री को नहीं रीड करते। आज से अगर आप डेली टू डेली रीड करेंगे, डेली टू डेली अगर आज से अगर आप लोग रीड करेंगे, वो भी समझ समझ के, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को ये चैप्टर सबसे जल्दी याद होगा। समझ में आया। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल भी और केमिकल बॉन्डिंग भी है, और जो अभी से समझ रहा है वो तो ये समझ ले कि उसका पीरियोडिक टेबल भी स्ट्रांग हो गया और उसका केमिकल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। सो बी रिलैक्स, आप लोगों को कर लेना है आज के आज ही तैयार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Thank you.